देखें आपा, सीधी बात है, लारेब को अब इस घर के मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं। इरफान की शादी कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी, ये सोचना हमारा काम है। भी कभी कभी तो इस लड़की की जुरत पे मैं हैरान होती हूँ कि कैसे बाहर बैठे बैठाए हुक्मनामे जारी कर रही। अरे छोड़िए आपा, आप राफे और इरफान की शादी के दावतनामे छपवाने के बारे में सोचिए, छोड़ो उसे। और एक बात मैं भी उसे समझा दूंगी और आप भी राफे को समझा दीजिएगा कि लारेब की हिमाकतों के बारे में सोचना छोड़ दें। ठीक कह रही हो तुम। वैसे मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि राफिया ससुराल में बहुत खुश रहेगी। हाँ, अगर लारेब की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दे तो। कभी कभी तो उसकी हिमाकतें हद से गुजर जाती हैं और इसीलिए बदमजगी पैदा हो जाती है। मैं कोशिश करूँगी कि उसका आना जाना इस घर में कम हो जाए। उसका अपना घर है, ससुराल है, मेरे ख्याल में उसे अब अपने घर तक महदूद हो जाना चाहिए। बिल्किस, सच पूछो तो लारेब का इस तरह बाहर आना जाना अगर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए ना तो उसके अपने लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि सुना है कि उसके ससुराल वालों को भी उसका इस तरह महके आना जाना पसंद नहीं आ रहा। अच्छा, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सोचती हूँ कि इस मामले को कैसे हैंडल करना है। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। किसको धोखा दे रहे हो, मुझे, लारेब को या खुद को? धोखा? कैसा धोखा? जिंदगी को सच्चाई से जीना सीखो, आसान हो जाएगी। एक लड़की अपना घर बार रिश्ते नाते तोड़कर इसलिए आती है कि शौहर के दिल में बस सके, और अगर उसे पता चले कि शौहर के दिल में तो कोई और बसा है तो सोचो जरा उसके दिल पर क्या बीतेगी। आप नहीं समझ सकेंगे अम्मी। इरफान, हकीकत को तस्लीम करो, और हकीकत यह है कि लारेब तुम्हारी दुनिया से निकलकर किसी और की दुनिया में चली गई है। ये मुनाफ़क़त नहीं तो और क्या है? दिल में लारेब बसी है और
लगता है तुम्हारा कुफ्र टूट गया। खाला की सीरियस कंडीशन देखकर अब उसकी जिंदगी की दुआएं मांगने लगी है। फिलहाल तो खाला को दुआ की नहीं, दवा की जरूरत है। आप खाला के लिए परेशान ना हो, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। कैसे परेशान ना हो? डॉक्टर ने पुलिस केस का खदशा जाहिर किया है। तुम दुआ करो कि तुम्हारी खाला बच जाए। सच पूछो ना भीष्मा, मैं तुम्हारी माँ हूं, मगर अब मुझे तुमसे खौफ आने लगा है, क्योंकि तुम अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। आप फिर खौफजदा होने लगी, मैं तो जल गया। अच्छा सुनो, खाला के कलेजे में घुसने से पहले कुछ खा लो, कल से तुमने कुछ नहीं खाया। मामा, खाला जानी की हालत देखकर निवाला हलक से नहीं उतर रहा। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये लड़की मेरी समझ से बाहर है। एक तरफ तो खाला की जान से खेल गई है और दूसरी तरफ खाला पर अपनी जान निछावर कर रही है। या अल्लाह, खैर करना। तो ये भी तुम देखने गई थी? समरीन से बात वगैरह हुई? अरे बुआ, वो तो बेहोश पड़ी है, भीष्मा दिन रात उसकी खिदमत में लगी हुई है। हाँ भाई, ऐसा खाला भांजी का प्यार हमने आज तक नहीं देखा। हाँ बुआ, ठीक कह रही हो, भीष्मा और समरीन में ज़रूरत से ज़्यादा ही मोहब्बत है। अल्लाह के हुक्म से हसन विलास में खुशियों से काया पलट रही है और माशाल्लाह से एक नहीं दो दो बहुएं इस घर को जीनत बख्शने आ रही हैं। ऐसा तो है बुआ, पर मैं तो अपनी लारेब को मिस कर रही हूँ। बेटियों की असल दुश्मन उनकी माएँ होती हैं, वो माएँ जो उन्हें अपने साथ चिमटाए रखना चाहती हैं। बल्कि इस भाभी, मैं आपका मतलब नहीं समझी, क्या कहना चाह रही हैं आप? वही जो मुझे कहने नहीं दिया जा रहा और जो बहुत दिन से मेरे दिल में है। बड़ी बहू के तेवर कुछ बिगड़े बिगड़े लग रहे हैं। हाँ बुआ, बल्कि इस भाभी का बिहेव कुछ बदला बदला सा है आजकल। ये लीजिए पकड़े। अरे नहीं आपा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इस लड़की की नादानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, ना जाने क्या गुल खिलाएंगी। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बिल्किस भाभी, क्या बात है? आप कुछ परेशान और नाराज नाराज लग रही हैं, कोई बात हुई है क्या? मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि इस घर में मेरी वजह से कोई परेशानी कोई नाराजगी ना हो, मगर इस घर के छोटे लारेब शादी के बाद अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगी। उसने इरफान और राफी की शादी की मुखालफत की है। क्या लारेब ने इरफान और राफी की शादी की मुखालफत की? लारेब भला इस रिश्ते की मुखालफत क्यों करेगी? भाभी का दिमाग तो दुरुस्त है। मैंने भी उनसे यही कहा था कि आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? गलत फहमी? कैसी गलत फहमी? राफी ने रो रो के वहाँ बुरा हाल कर लिया और तुम कह रही हो गलत फहमी है? कौन लड़की है जो खुशियों के दिनों में इस तरह रोए जब तक कि उसे रुलाया ना जाए? मैं नहीं मानता, लारेब ऐसा कर ही नहीं सकती। उसकी बात को यकीनन गलत रंग दिया जा रहा है। देखो साइमा, इससे पहले के गलत फहमियाँ बढ़ जाएं जिसकी वजह से दूरियों में भी इजाफा हो, बेहतर यह है कि मैं बिल्किस भाभी से खुद बात कर लूँ। देखिए आप बीच में ना आए, औरतों की बात अगर औरतों में रहे तो जल्द ख़त्म हो जाती है। मैं समझ सकता हूँ, मगर मर्दों के बीच में बोलने से गलत फहमी की छोटी सी ईंट अना की लंबी दीवार बन जाती है।
अरे स्वीटा, सॉरी ना, मैं तुम्हें सुबह से कितनी बार सॉरी कह चुका। मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। तो मैंने फुरकान से वादा किया था कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, और कभी आएंगे तो वो खुशी के आंसू होंगे। सुनो। क्या सुनो? मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जल्दी गुस्सा करोगे। पता नहीं ला रहे अब हमारी खुशियां हमारे करीब आते आते दूर क्यों हो जाती हैं। एक तरफ तो मैं हर्ट किया मैंने, दूसरी तरफ मामा हॉस्पिटल में। क्या रिश्मा से बात हुई थी? क्लेयर तो नहीं बताया उसने, बट उसने मुझे ये कहा कि शी इज इन अ बैड शेप, नेक्स्ट फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। बहुत I'm sorry. It's okay. डोंट वरी आंटी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मामा, यू डोंट अंडरस्टैंड, लारेब आ गई तो आपकी सारी कोशिशों पर पानी फेर देगी। तो तुम क्या चाहती हो कि लारेब के आने से पहले तुम्हारी शादी हो जाए? हैं, पागल तो नहीं हो तुम? होश में तो हो? मामा, लारेब आ गई तो शादी तो दूर की बात है, वो तो तारीख तय भी नहीं होने देगी। देखो राफिया, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ कि अब तुम लारेब से खौफजदा होना छोड़ दो, सामना करो उसका। सामना तो तब करूंगी जब मैं उस घर में बहू बन के जाऊंगी, और आप देख लीजिएगा लारेब कदम कदम पर मेरे लिए मुश्किलात खड़ी करेगी। अगर वो मुश्किलात खड़ी करना जानती है तो तुम गिराना सीख लो। और सुनो मेरी बात, देखो हम लड़की वाले हैं, मैं बिल्किस को ये नहीं कह सकती कि हम किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। हमारे माशरे में लड़की वाले इतने मजबूर क्यों होते हैं? अरे क्या मुसीबत है, पहले बच्चे पैदा करो, फिर उनको बड़ा करो, फिर उनको शऊर दो, और उसके बाद उनके सवालों का जवाब दो। अजीब तमाशा है ये। पहले से अब काफी बेहतर है, हम आज किसी भी टाइम इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी समरीन अब ठीक हो रही है। इनकी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही। कैसे सही होगी, खाला की तिमारदारी में ये अपना आप ही भूल गई है। बिश्मा, स्टाफ जरा देखिएगा। बिश्मा, बिश्मा बेटा, मेरी बच्ची।
तो कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? हमने ड्रिप लगा दी है, ठीक हो जाएंगी। बेटा पिछले 2 दिन से एक टांग पे खड़ी है, कभी दुआएं मांगती है, कभी डॉक्टर्स के पास भागी हुई जाती है। कितनी बार कहा कि कुछ खा लो, कहती थी मेरी भूख ही मर गई। मैंने इन्हें आराम करते या कुछ खाते पीते नहीं देखा। मैं जब जब इधर आई हूँ एक ही सवाल करती थी, मेरी खाला जान ठीक हो जाएंगी ना? लो देखो, तुम्हारी खाला जान ठीक हो गई। मैं इसे कहती थी कि तुम सिर्फ दुआ करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और कहती थी कि अगर खाला जान को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं बचूंगी। लगता है यहाँ पर विश्वा ने मेरी जगह संभाल ली थी। नहीं बेटा, इसने जो कुछ किया वो सब इसका फर्ज है। ये ट्रिप खत्म हो जाए तो इनकी हालत बेहतर हो जाएगी। और सिस्टर मेरी मामा? नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, अब आपकी अम्मी बहुत बेहतर हैं। कुछ ही देर में हम आपकी अम्मी को रूम में शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू विश्व, थैंक यू सो मच। यू वेलकम बाज। मेरी वजह से तुम दोनों का ट्रिप अधूरा रह गया। सॉरी, मुझे डॉक्टर्स ने डरा दिया था कि खाला के बचने की कोई उम्मीद नहीं। तुम्हें क्या हुआ है? एक्चुअली मैं गिर गई थी। मेरे कजिन ने कुछ कहा है तो मुझे बताना, मैं इसके कान खींचूंगी। अभी तक तो इसने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। नहीं नहीं, बासित हिरासत में है, रिहा होकर बाहर आएगा तो उसे दूर रहना। जी पापा। पुरानी बातें भुलाकर अपनी शादी की तैयारियां करो। हाँ उस्मान, कहाँ की तैयारी है और लारेब की कोई खबर आई? जी वो लारेब की मुझे ईमेल आई थी, कह रही थी कि शाम तक पहुंच जाएंगे। अभी फोन किया था वहाज ने, भजन हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। मैं बस फौरन वापस आ रहा हूँ। जी समरीन को मेरी तरफ से पूछ लेना, अगर उसकी तबीयत ठीक हुई तो लारेब को अपने साथ ले आना, अच्छा होगा। तारीख की रस्म में हमारे साथ चली जाएगी। जैसे आप कहें, बस वो ये है कि समरीन की तबीयत ठीक रहे तो यकीनन ले आऊंगा। आपकी बातों से महसूस होता है जैसे आप नहीं चाहती कि लारेब आपके साथ जाए। बिल्कुल ठीक समझे ना, लारेब की शादी हो चुकी है मगर उसकी नादानियों में कमी नहीं है, और वैसे भी उसे अपनी सास के साथ रहना चाहिए। लारेब इस खानदान का हिस्सा है, इस घर की कोई भी खुशी उसके बगैर बेसुध है। मामा पापा ठीक कह रहे हैं, लारेब को अवॉइड करेंगे तो चाचा जान क्या सोचेंगे? दूसरों की सोच की फिक्र छोड़कर अपना घर बसाने के बारे में सोचो। मैं तैयार होके आती हूँ, फिर चलते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, जरूर आएंगे। अब तो वैसे भी शादी के दिन करीब आने वाले हैं, मिलना जुलना तो रहेगा ना। हाँ राफिया से बात कर लो, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। हैं? तुम दोनों देवरानी जेठानी बनने वाली हो, इन टच रहा करो बेटा, और शुमाइला से दोस्ती बढ़ाओ। हसन मिला में तुम दोनों एक दूसरे के बहुत काम आओगे, तो बात करो। हेलो हेलो राफिया, कैसी हो? ठीक ठाक। शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं?
अच्छी चल रही है तैयारियाँ। आज तो तुम्हारी नन लारेब भी वापस आ रही है। तो वो सिर्फ मेरी नन थोड़ी है, तुम्हारी नन भी तो है वो। ओ प्लीज, नंद नहीं, बहुत बड़ा गंद है। क्या मतलब बहुत बड़ा गंद है वो? कुछ नहीं, मैं बस कह रही थी कि उससे जरा दूर ही रहो। तुम ये कह रही हो, मगर मेरी तो जब भी फुरकान से बात हुई है उन्होंने तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया उसको मेरे से। यही तो प्रॉब्लम है, हसन विलास में लारेब के अलावा किसी को कोई और नजर ही नहीं आता। अच्छा शमाला, आई कॉल यू बैक, ठीक है? वो मेरे दूसरे फोन पे कॉल आ रही है। हाँ, आई कॉल यू बैक, टेक केयर, बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। ये तुम क्या कर रही हो? शादी से पहले ही उसे डरा रही हो? तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? क्यों करती हो ऐसा? सोच समझ के चला करो, पागल जैसी ना हो तो। अच्छा मामा, लारेब आपकी बहुत तारीफ करती है बेटा, हमेशा ये कहती है कि आप बहुत मिलनसार हो और इसका बहुत ख्याल रखते हो। अंकल जी खुद बहुत अच्छी है, इसीलिए इसको सब अच्छे लगते हैं। अच्छा अब तुम ज्यादा बातें मत करो, कुछ आराम कर लो। बहाज नजर नहीं आ रहा। पापा बहाज एक्चुअली फैमिली डॉक्टर के पास गए हैं आंटी की रिपोर्ट्स लेने के लिए, उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा। अंकल आज तो फुरकान की शादी की डेट फिक्स हो रही है ना, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, मैं एक्चुअली उधर ही जा रहा था, मैंने सोचा मैं रास्ते में समरीन भाभी खबर भी ले लूँ और इससे भी मिल लूँ, तो मैं चलता हूँ फिर लारेब। लारेब को लेकर नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, इसका यहाँ रुकना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं अंकल, इसकी क्या ज़रूरत है, स्टाफ है ना हम लोगों का ख्याल रखने के लिए, और फिर अभी थोड़ी देर में बाहर भी आते ही होंगे। हाँ पापा, मैं ज़रूर चलती, लेकिन यहाँ पे सबको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, कि मेरा दिल बहुत कह रहा जाने को। हाँ तो मेरी जान, तुम जाओ ना, तुम्हें जाना चाहिए। अंकल आप इसे लेकर जाइए, अब देखिए ना इतना लंबा सफ़र तय करके आई है, कहीं बीमार ना पड़ जाए, तकरीब में जाएगी तो फ्रेश हो जाएगी। मेरी जान तुम जाओ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल बेटा, मुनासिब नहीं लगेगा, बहाज को शायद अच्छा ना लगे। अंकल मैं बहाज को बता दूंगी ना, परेशान ना हो, वैसे भी वो तो इसकी खुशी में खुश रहता है, तुम्हें पता है। Are you sure तुम ये सब कुछ मैनेज कर लोगी? क्या मैं बहाज से बात कर लूँ? नहीं नहीं, तुम्हें उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, खामखा मैं उसको डिस्टर्ब करूँगी। मैं कह रही हूँ ना, मैं बात कर लूँगी, तुम उसको फ़ोन करोगी अगर मना कर दे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तुम जाओ, मैं संभाल लूँगी सब कुछ। Are you sure? जी जी अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं संभाल लूँगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू भीष्मा, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, ठीक है? और मुझे बहाना चाहिए उसे तुमसे दूर करने का। बहुत देर हो गई है, उस्मान और लारेब पता नहीं कहाँ रह गए। मेरा ख्याल है भाईजान के हम चलते हैं, लारेब आएगी वो थकी होगी, उसे आराम करने दें। वो आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सारे मामला लारेब ने तय कर लिए, लड़की वाले इंतजार कर रहे होंगे, बुरी बात है। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि मिठाई के डब्बे जो हैं वो गाड़ी में रखवा देता हूँ। हाँ हाँ रखवाओ यार, कोई तो काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे या अल्लाह, ये क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी तुम्हें, क्या हुआ? अम्मी वैसे लग गई। मैं भी पूछ रहा हूँ भाईजन, मुझे भी नहीं बता रही कि चोट कैसे लगी। जरूर कोई शरारत की होगी। इधर आ मेरा बच्चा। बड़ी अम्मी, आपको और मैंने अम्मी को बहुत मिस किया। अच्छा? यानी कि तमाम अम्मियों को मिस किया और तुमने हमें नहीं मिस किया। आपको मिस ना करूं ऐसा हो सकता है? चल जल्दी से तैयार हो जा, देर हो रही है। हाँ बेटा, मैंने ना श्रेया से मंगवा कर तुम्हारा ड्रेस प्रेस करवा दिया, जल्दी से जाकर पहन।
मैं बस यूं गई यूं आई। वो चुप है आशिक, तुम्हारी खबर तो बाद में लेती हूँ। मैं भी चेंज करके आ रहा हूँ। तुम्हारी माँ सेहत याब हो जाए तो हम बिश्मा की भी मंगनी कर देंगे। नहीं मामा, जब तक खाला जानी ठीक नहीं हो जाती मैं किसी खुशी का नहीं सोच सकती। ये क्या बात हुई, तुम खाला भांजी सेहत याबी के मुकाबले में मुझे बीमार कर दोगी। नहीं नहीं खाला, मैं अभी मामा की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा के आया हूँ। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, एक बहुत ही खतरनाक वायरस था जो रिश्मा की वजह से जल्द उनकी जान छोड़ गया। अभी तो देखते जाओ मेरी वजह से कौन कौन साथ छोड़ता जाएगा, आखिर में सिर्फ मैं होंगी और तुम। लारेब कहाँ पर है? राम आत्माना बे, बहू बेगम तो जैसे अस्पताल को छूने आई थी छुआ और चली गई। मामा उसके कजन की आज डेट फिक्स है, वहीं गई है। उसके वालिद साहब उसको स्पेशली लेने के लिए आए थे यहाँ। गैर गैरी होते हैं बेटा, अपनी सास को बीमार छोड़कर खुद फंक्शन में चली गई, हम तो कपड़े बदलने भी नहीं गए। मुझे बताए बगैर ही चली गई, फोन करता हूँ मैं उसे। नहीं आज उसको कॉल मत करना, तुम बुलाओगे तो वो आ जाएगी, किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ चलाने से क्या फायदा। विश्वा मामा की तबीयत खराब है, she is not feeling well, you know that. लेकिन उसका दिल तो उसके कजिन्स में अटका हुआ है ना। देखो भाज तुम जबरदस्ती मत करना, उसको समझाना भी है तो प्यार प्यार। क्या प्यार प्यार, तुम्हारी माँ बीमार पड़ी हुई है और वो जूती की नोक पर रख के चली गई। मामा कैसी बातें कर रही हैं, कजिन लारे पता है तुम्हारे बारे में मैंने इतना सुना है कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ। ऐसे ना तुम भी बहुत स्वीट हो, अगर मैं किसी में इतना टैलेंट देखूँ ना तो मुझे बहुत जेलसी होती है। और हाँ तुम्हारी बनाई हुई तस्वीरें बहुत अमेजिंग है, तुम भी बहुत अच्छी हो। थैंक यू, आप भी तो इतनी शरारती हैं। अरे वाह, हमारी शोहरत की किसे पहली सुन ली है तुमने। चलो पहले शादी करना फिर देखना। मैं तुम्हारी सारी रोमांटिक बातें।
बहुत अच्छी लगी आज। अरे ये तुम क्या कर रही हो यार? अभी देखना बड़ा मजा आएगा। तो तुम हमेशा की तरह खामोश ही रहोगे? इसकी बोलती हमेशा लड़कियों को देख के बंद हो जाती थी। क्या बोलूं? अभी ये भी मैं बताऊं? अच्छा ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? जबरदस्ती तारीफ करवाएगी अपनी? अरे ये तुम गलत कर रही हो प्लीज। कुछ भी नहीं गलत कर रही मैं, चुप करके बैठो अभी बड़ा मजा आएगा। ये तो कोई रोमांटिक बात कर ही नहीं रहा। एक सेकंड मैं फोन करती हूँ। अच्छी लग रही है एक्चुअली, मैंने कभी तुम्हें ऐसे देखा नहीं ना, तो इसलिए। क्या घूंचू, लड़की को देखा चुप हो गए। लड़की कब से इतनी बातें करती जा रही है और तुम्हारे मुंह में जुबान ही नहीं है? यार कोई रोमांटिक बात कर। शुमैला तुम्हें पता है आज मम्मी पापा कितने खुश होंगे, दोनों भाई की शादी हो गई। बे शर्म बे हया,